सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर फ्रेंड ऋषभ, यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द आरएस मोटो ब्लॉगर। सो फिलहाल आई एम हेडिंग टुवर्ड्स बता दें यस तो सो फिलहाल आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द मड़वाड़ी का पुलिस स्टेशन, यस द मड़वाड़ी थाना। एंड ग्लव्स वगैरह इसलिए नहीं पहने बिकॉज एक पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ज़्यादा सेफ्टी भी पुलिस वाले देख के लगता है कि हाँ ये रेस वगैरह करने वाला बंदा है। एंड एक चीज़ है जो कि आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहे, बट अगर ज़रूरी होता तो ज़रूर बताते। एंड वहाँ पर कैमरा मे बी ऑफ कर देंगे हम। एंड फिलहाल आज संडे है एंड वीकेंड लॉकडाउन चालू हम लोग का सैटरडे संडे वाला, तो देख सकते हैं आप लोग पूरा दुकानें वगैरह सब बंद है, बस ये है कि ट्रैफिक चालू रह सकता है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मड़वाड़ी क्रॉसिंग है ये, यहाँ से लेफ्ट साइड में सिगरा साइड सीधे हमारा उदय बजाज एंड यहाँ से राइट होएगा थाना मड़वाड़ी पुलिस स्टेशन। थैंक यू भैया। तो यहाँ से हम लोग राइट लेना है एंड जो भैया आगे डिज़ायर चला रहे थे लैला को बढ़िया थम्सअप दिए, एंड ये चीज़ अच्छी लगती है जब लोग नोटिस करते हैं आपके काम को एंड आपके चीज़ों को एडमायर करते हैं लोग, तब तो आपको अच्छा लगता है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मड़वाड़ी थाने पे एंड यहाँ भाई लोग खड़े अपने, सो आगे चलते हैं, यहाँ पे बाइक अपनी खड़ी करेंगे हम थोड़ा सेफ्टी के साथ। सो अब निकलते हैं यहाँ से, मेरा जो रोल था यहाँ पे वो हमने कर दिया, और जैसा कि हम बताया थे दैट आई विल नॉट शेयर समथिंग और एनीथिंग विथ यू गाइस, तो बस ऐसा सीन था कि हमको आना था यहाँ पे एंड मिलना था किसी से, जो कि हो गया। एंड दोबारा निकलते हैं अब यहाँ से और अब चलते हैं दोबारा घरा को, घरा। और ये छोटा सा स्वीट एंड सिंपल सा ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं था बिकॉज हम आ रहे थे तो हम सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं दैट हम जा रहे हैं एंड क्यों जा रहे हैं, इन फ्यूचर अगर हमें लगेगा ज़रूरत तो हम बता देंगे आप लोगों को। बट एक मैसेज है दैट हम लोग जो है क्या कि स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, तो बाकी लोग से हम लोग को 200% ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज क्या सबकी नज़र रहती है कि हाँ बड़ी बाइक है तो गलती इन लोग की होगी। यस वी एक्सेप्ट कि हम लोग कई बार गलती करते हैं एंड हमने भी अपने पास्ट में बहुत सारी गलती कर रखी है, बट पास्ट को गलतियों को सुधारने के लिए प्रेजेंट में भी आप वही सेम गलती कर रहे हैं तो ये गलत बात है। एक टाइम के बाद रियलाइजेशन हो जाना चाहिए दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, जो कि हमें हो गया है। और एक जो चीज़ हम बताए थे दैट स्टड्स का थंडर यूज़ करने के बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि क्या मेरा रिव्यू रहा अभी तक एक्सपीरियंस इसके साथ, तो हमने इस हेलमेट को 6 या 7 बार यूज़ करके देख लिया है बट ये हेलमेट हमको नहीं जम रहा भाई, सीरियसली जब तक कंफर्ट नहीं है तब तक वो चीज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लूज़ नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा तो लूज़ होना चाहिए इसकी पैडिंग भाई, बट हमें अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। सो देखते हैं अब आगे आप लोग को पता चल जाएगा एंड अब ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आरएस मोटो व्लॉगर को। सो टिल देन थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।